हेलो गाइस, यानी कि जांगिड़ की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप गाड़ी को उठाते हो फर्स्ट गियर में, तो आप बिल्कुल मिनिमम स्पीड पे कैसे चलते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो क्लच छोड़ते हैं और गाड़ी का इंजन जो है बहुत ज़्यादा साउंड सा करता है, मतलब वाइब्रेशन ही बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, यानी कि स्लो स्पीड में गाड़ी को कैसे चलाना होता है ताकि गाड़ी वाइब्रेट भी ना करे, तो इसका प्रॉपर तरीका मैं आज आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आ गए हम गाड़ी में और अब करते हैं इसको स्टार्ट। चलिए गेट खुला रहने देते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो अब आपको कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप हल्की सी स्लोप पे हो, अभी तो यहाँ पे देखिए रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन जब आप हल्की सी स्लोप पे होते हो वहाँ पे क्या होता है, मैं उसके लिए स्लोप के लिए क्या करता हूँ, मैं हल्के से हैंड ब्रेक लगा देता हूँ हल्के से। इससे क्या होगा कि स्लोप का काम करेगा, गाड़ी को रोकेगा चलने से, जैसा कि बिल्कुल सेम टू सेम स्लोप पे होता है। तो वहाँ पे जैसे ये मैंने क्लच रिलीज किया, वहाँ पे मान लीजिए मेरे को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलना है, 1 से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, बहुत स्लो बिल्कुल। तो वहाँ पे गाड़ी वाइब्रेट करती है ऐसे, जैसे अभी आप देखिए मैंने हैंड ब्रेक लगा दी हल्के से और गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है ऐसे। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे क्लच ज़्यादा छोड़ के चलते हैं, रेस इतनी देते नहीं। जब इंजन दब जाता है, यानी कि जब उसके आरपीएम ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि इंजन गाड़ी का छोटा है, ये जैसे ये जनरली छोटी गाड़ियों में होता है जिनका इंजन 1000 सीसी के करीब का होता है, तो उनमें दिक्कत आती है। तो अगर आपकी गाड़ी का इंजन बड़ा है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट गियर लगाया और मैं हल्के से हैंड ब्रेक लगा देता हूँ स्लोप के लिए। मैं क्या करूँगा, मैं तब तक क्लच रिलीज करूँगा जब तक वाइब्रेशन शुरू ना हो। जब देखिए वाइब्रेशन शुरू, इससे पहले अब मैं हल्का सा दबा दूंगा यहाँ पे, यानी कि मेरे को वाइब्रेशन नहीं करनी है, तो मैं हल्का सा रिलीज करूँगा बिल्कुल और रेस दे दूंगा और उसके बाद क्लच रिलीज करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी आप देखिए हम बिल्कुल स्लो स्लोली चल रहे हैं, आप स्पीड देख लीजिए, बिल्कुल 1 से 1.5 km/h की स्पीड होगी हमारी। और गेट कर लेते हैं, अब हम बंद। तो गाइस अभी देखिए मैं फिर से करके दिखाता हूँ, फर्स्ट गियर और हैंड ब्रेक मैं हल्के से लगा देता हूँ, बस हल्के से मैंने हैंड ब्रेक लगा दी देखिए। और अब मैं हल्का हल्का क्लच रिलीज करता हूँ, देखिए वाइब्रेशन शुरू। जब वाइब्रेशन शुरू हो जाए आपको हल्का सा दबा देना है, वाइब्रेशन बंद। अब मैं रेस दूंगा और फिर हल्का सा उसी पोजिशन पर जाऊँगा जब मेरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी। तो इस तरीके से आपको चलानी है। और ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी गाड़ी चल रही है और स्पीड देख लीजिए कितनी कम है, मेरे हिसाब से बस 0 से ऊपर ही उठी हुई है सही, 1 से 2 km/h की स्पीड ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और बहुत स्लोली स्लोली हम गाड़ी चला पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल स्लो स्पीड पे गाड़ी चलानी होती है। बहुत से लोग क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे होते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं सीख पाते कि आइडल से 1 से 2 km/h की स्पीड पर गाड़ी कैसे चलाते हैं। जैसे अभी गाड़ी रुकी हुई है और इस तरीके से धीरे धीरे आप गाड़ी को चला सकती हो, बस आपके पैर पे आपका कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपरली। आपको पता होना चाहिए कि कितना क्लच और रेस देने से और छोड़ने से गाड़ी कितनी चलती है, उसी हिसाब से आप गाड़ी चला सकती हो। तो चलिए गाइस, ये कुछ आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर दो, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।